हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं गमले के अंदर गिलकी के पौधे को बीज से उगाने की पूरी जानकारी। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो। जी हाँ दोस्तों, गिलकी उगाने के लिए हमें चाहिए होंगे कुछ गिलकी के हाइब्रिड वैरायटी के सीड्स। और अभी चल रहा है मॉनसून का सीजन। मॉनसून के सीज़न में एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री के आसपास होता है, जो कि गिलकी का पौधा उगाने के लिए परफेक्ट है। तो हम गिलकी के पौधों को पॉटिंग मीडियम में डाल देंगे और उसे भरपूर पानी देंगे। बीज उगाने के लिए मैंने डिस्पोजेबल ग्लास का यूज़ किया है। 3 से 4 दिनों के अंदर ही गिलकी के पौधे निकल आते हैं बाहर। अगर बीज हाइब्रिड हो या अच्छी क्वालिटी का बीज हो तो हमें 3 से 4 दिनों में ही पौधे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। हमें इन्हें अभी इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखना है, जहां पर दिन या शाम की एक ही घंटे की धूप आती हो। देखिए दोस्तों, अब हमारी ट्रू लीव्स निकल आई हैं, हमारा पौधा बड़ा हो गया है। तो अब हमें इसे ट्रांसप्लांट करना है। इसे ट्रांसप्लांट करने के लिए हमें अपने सैपलिंग को बहुत ही आराम से अपने ग्लास में से निकालना है। ध्यान ये रखना है कि जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। धीरे से इसे निकालने के बाद में हम अपने पॉटिंग मीडियम के अंदर जो हमने सॉइल मिक्स तैयार करके रखा है, उसके अंदर इसे ट्रांसप्लांट करेंगे। सॉइल मिक्सचर के अंदर दोस्तों हम लेंगे 50% गार्डन सॉइल और 50% काउडंग मैन्योर। मेरे हिसाब से किसी भी पौधे को लगाने के लिए ये बेस्ट पॉटिंग मिक्सचर है। 3 दिनों के बाद में हम इसे फुल सनलाइट में रख देंगे। दोस्तों ये है 50 दिनों के बाद का अपडेट। हमारी गिलकी की बेल काफ़ी बड़ी हो गई है और इसके अंदर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फूल आना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन बारिश का मौसम होने की वजह से परागण या पॉलिनेशन करने वाले ज़्यादातर प्राणी अब यहाँ पर नहीं हैं। इस वजह से इसके अंदर हमें करना पड़ेगा मैनुअल पॉलिनेशन। तो आपको मैनुअल पॉलिनेशन करने के पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा मेल फ्लावर है और कौन सा फीमेल फ्लावर है। तो दोस्तों इसे पहचानने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जो मेल फ्लावर होता है वो एक सिंपल फूल की तरह होता है, ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में उगते हैं, फीमेल फ्लावर्स कम उगते हैं। और अगर हम फीमेल फ्लावर को देखें तो फीमेल फ्लावर के पीछे जो फल है जिसका ये बेल लगी हुई है वो छोटा सा फल दिखता है। जैसे ये गिलकी का पौधा है तो हमें फूल की पंखुड़ियों के पीछे छोटी सी गिलकी लगी हुई दिखाई देती है। यही तरीका है पहचानने का कि ये फीमेल फ्लावर है। मेल फ्लावर जो रहता है या नर फ्लावर जो रहता है, नर फूल के ऊपर का जो हिस्सा रहता है वो आपको ड्राई दिखेगा और जो फीमेल फ्लावर है उसका ये हिस्सा थोड़ा चिपचिपा दिखेगा। ऑब्वियसली जब पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर आए तो वो उसे चिपक जाएं, इसलिए नेचर ने इसे इस तरीके से बनाया रहता है। अब हमें पॉलिनेशन करने के लिए एक ईयरबड की ज़रूरत पड़ेगी। ये ईयरबड किसी भी मेडिकल की दुकान पर फ्रीली अवेलेबल होते हैं। अब हम इस ईयरबड से मेल फ्लावर के पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट करते हैं। हल्के से इसे रोटेट करके सारे पोलन ग्रेन्स हमको कलेक्ट करने हैं। ये देखिए, ये जो आप पीले कलर के डॉट्स देख रहे हैं इस ईयरबड के ऊपर, ये पोलन ग्रेन्स कहलाते हैं। अब इन पोलन ग्रेन्स को हम फीमेल फ्लावर या मादा फूल के अंदर जो चिपचिपा या स्टिकी पोर्शन है उसके ऊपर बिल्कुल धीरे से आराम से अप्लाई करते हैं। बड़ी सावधानी के साथ इसको हैंडल करना है, कहीं से भी हमें बीच वाले पोर्शन को चोट नहीं पहुंचानी है। फिर से एक बार हम पोलन ग्रेन्स को बीच वाले पोर्शन पर अप्लाई करते हैं। बस अब हमारा काम हो गया है। अब इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर हमारा पॉलिनेशन सक्सेसफुल होता है तो आने वाले कुछ दिनों में वो फल मोटा होने लगता है या ग्रो होने लगता है, और अगर पॉलिनेशन फेल्ड है तो वो फल श्रिंक हो जाएगा, सूख करके गल जाएगा। तो आगे देखते हैं हम अपने पॉलिनेशन के अपडेट्स।
तो दोस्तों हमें ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो चुका है और अब हमारी गिलकी हार्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, कमेंट्स करिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, प्रकृति से प्यार करिए, हैप्पी गार्डनिंग।